हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। आज का हमारा टॉपिक है प्लम्बिंग आइटम इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको प्लम्बिंग के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क जो होते हैं, इनके हम कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस होता है। तो आज हम प्लम्बिंग के आइटम्स के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और सीधे टॉपिक पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। जो प्लम्बिंग सिस्टम है, ये पाइप फीचर्स एप्लीकेशन, इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे, और उनके विशेष तौर पर नाम के बारे में देखेंगे कौन कौन से पाइप हमें यूज होते हैं और किस जगह हम उन्हें यूज कर सकते हैं प्लम्बिंग में। जो वैसे प्लम्बिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्लम्बिंग जो होती है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जिसमें हम वाज बेसिन, वाटर क्लोसेट्स, यूरिनल्स, ट्रैप पाइप्स, सॉइल वाटर पाइप्स, बेंटअप पाइप्स वगैरह, सेप्टिक टैंक वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होती है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह हम इसका यूज कर सकते हैं। और वो पाइप्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं और हमें उनका सिलेक्शन करना पड़ता है। देख लेते हैं हम कि जो हमारे पास टाइप्स हैं वो वाटर पाइप्स के कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट आता हमारे पास पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप्स जो है हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से वाटर सप्लाई सिस्टम में यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी बिल्डिंग में होता है। सेकंड आता है फ्रेंड्स हमारा कॉपर पाइप्स। कॉपर पाइप्स का जो हम यूज, इसमें हैवी गेज रहता है और लाइट गेज, दो तरह के आपको गेज मिल जाते हैं और आप इनको वेटर ग्रेड्स में यूज कर सकते हैं अच्छे हाउस के लिए। ये हमारा ग्राउंड वाटर और जहां पर ज़्यादा कोरोजन होता है, जहाँ पर स्टील पाइप्स आपको लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको लोहे के पाइप्स लगाना या आयरन पाइप्स लगाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं कॉपर पाइप्स को। फ्रेंड थर्ड आता हमारा गैल्वनाइज आयरन पाइप्स। ये जो पाइप्स है हमारा, ये हैवी, मीडियम और लाइट ग्रेड में अवेलेबल होते हैं, और ये इनका यूज जो है हम वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम जो होता है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, हम उसमें करते हैं। और खास बात यह है कि ये बिल्कुल इकोनॉमिकल होता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा लीड पाइप्स। लीड पाइप्स जो होता है हमारा, ये हाई कोरोजन रेसिस्टेंट और फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कोरोजन तो हमारा इसमें लगने के चांसेस 99.9% नहीं होंगे, और उसके बाद फ्लेक्सिबल होता है, जिससे आपको वर्क करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसके बाद हमारा आएगा ड्रेनेज के जो वाटर पाइप्स है वो किस तरह से हो सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहला रहेगा हमारा सॉइल पाइप्स, वेस्ट पाइप्स, वेंट पाइप्स, जो कि हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह से होते हैं, अलग अलग जगह इनके यूज होते हैं। रेन वाटर पाइप, एंटी साइफनेस पाइप, जिनके हम यूज कर सकते हैं। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।